नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा में। आज हम लोग देखेंगे कि चुनाव के दौरान आप प्रत्येक 2 घंटे में पुरुष मत व महिला मत या थर्ड जेंडर का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। तो इस तरीके की सीट आपको लेकर जाना है, जो प्रथम अधिकारी होगा उसके पास इस तरीके की सीट होगी। मैंने इस सीट को तैयार किया हुआ है, जहाँ पर 700 वोटर पुरुष हुआ 700 वोटर महिला की संख्या दी हुई है। अन्य भी हमने 50 यहाँ पर दे दिए हैं, क्योंकि अन्य वोटर कम ही होते हैं। तो इस तरीके की सीट को आप डाउनलोड करेंगे, हमारी ही वेबसाइट में जाइएगा। जैसे मान लीजिए फ़ोन है, आप सबसे पहले यहाँ पर टाइप करिएगा बेसिक शिक्षा बेस्ट शिक्षा। जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया और ये आ गई हमारी वेबसाइट, इसको हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर हम जाएंगे तो आप देख लीजिए ये दिया हुआ है, और नीचे जाइएगा ये दिया हुआ प्रथम मतदान अधिकारी P1 हेतु महिला पुरुष गणना चार्ट। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आगे जाइएगा, आगे जैसे जाएंगे तो यहाँ मैंने 2 फॉर्मेट में दे दिया है। इमेज के रूप में यहाँ पर ये लिस्ट मैंने डाल दी हुई है, इमेज के रूप में यहाँ पे पड़ी हुई है, और यही नीचे मैंने PDF के रूप में डाल दी हुई है। यहाँ से जाके आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, और आप हमारे लिंक से भी जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई सारे हमारे माध्यम हैं, चाहे यूट्यूब हो, जो व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम, इनसे आप जुड़ सकते हैं और अपडेट जितनी भी जानकारियां हैं उससे अपडेट रह सकते हैं। तो चलते हैं, इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फार्मेट बना रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरीके से फार्मेट है हमारे पास, ये हमारे पास फार्मेट दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुल मतदाता 900 हैं, ठीक है, जहाँ पर पुरुष की संख्या 495 है, महिला की संख्या 405 है, अन्य मान लीजिए 0 है, या अन्य को हम 0 मान के चलते हैं। 2 घंटे बाद जब रिटर्निंग ऑफिसर आपसे पूछेगा कि कितने पुरुष व कितनी महिला परसेंटेज में वोट डाल के गए हैं, तो आप कुछ इस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए 2 घंटे में 90 पुरुष ने वोट डाले हैं, तो 90 पुरुष ने वोट डाले हैं तो क्या करेंगे, हम 90 को ऊपर रखेंगे और जितने पुरुष हैं उस पोलिंग बूथ पर उसको नीचे रखेंगे, गुणा 100 से करवा देंगे। और गुणा 100 करवाने के बाद में आप इसको मौखिक कैलकुलेट मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपके पास मोबाइल रहेगा, आपके पास लिस्ट रहेगी, मोबाइल का कैलकुलेटर ऑन करिएगा। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है ये 990 गुणा 100, तो ये 9000 हो गया, डिवाइड बाई आप 495 कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास परसेंटेज जो है निकल के आ गया है। इसी तरीके से यदि महिला का हम पूछते हैं, पूछा जाता है, तो मान लीजिए 2 घंटे में 45 महिलाओं ने वोट डाले, तो 45 गुणा 100, तो ये 4500 हो जाएगा। और यहाँ पर भी यही करेंगे, 45 जो महिला ने डाले और जो महिलाओं की संख्या होगी उसको नीचे रखेंगे, जितने वोट पड़े हैं उसको ऊपर रखेंगे, गुणा 100 करवाएंगे, और यहाँ पर 405 से हम भाग करवा देंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना, कि जितने टोटल हैं उसको नीचे रखेंगे, जितने पड़े हैं उसको ऊपर रखेंगे, गुणा 100। तो इस तरीके से ये परसेंटेज आपके पास निकल के आ जाएगा। अब अगर ये पूछा जाता है कि महिला पुरुष दोनों को मिलाकर कितने परसेंटेज वोट पड़े हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 90 और 45 को आप जोड़ लीजिए, ठीक है, 90 45 को आप क्या करिएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 90 45, तो टोटल पड़े 135, और 135 गुणा 100, ठीक है, और बटे टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट आपके पास कितने थे 900, तो 900 को नीचे रख दीजिएगा, जितने पढ़ते हैं उनको ऊपर रखते हैं, गुणा 100 करवाते हैं, और बटे जितने वहाँ पर उपस्थित होते हैं वोट उस सूची में उसको नीचे रखते हैं। तो ऐसे करवाने पर 15% आपके पास में निकल आए के आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप तुरंत तुरंत कैलकुलेट करके अपने मोबाइल से दिखा सकते हैं। ये और भी सरल तरीके से मैं बता सकता हूँ, जैसे मान लीजिए महिला पुरुष आपने निकाल लिए, तो 2 संख्या हुई महिला पुरुष की, आप इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर दीजिए, उतने आ जाएगा जितना ये हुआ, तो ये कैलकुलेशन नहीं करना होगा। तो इस तरीके से आप चुनाव के दौरान सूचनाएं दे सकते हैं तुरंत ही तुरंत, क्योंकि हर घंटे में आपको ये सूचना देनी रहेगी, इसीलिए हर घंटे का जो
खाका मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप बस इस लिस्ट को निकलवा लीजिएगा। यहाँ पर 7 से 9 के बाद में यहाँ पुरुष मत परसेंटेज, कितने पुरुष मत पढ़े परसेंटेज लिख दीजिए, महिला कितनी पढ़ी ठीक है, और उनका परसेंटेज निकाल के लिख दीजिए, फिर थर्ड जेंडर है, फिर कुल यहाँ पर आप ये लिखते हुए चलिएगा, फिर 9 से 11 के बीच में कितना हुआ सेम वही लिखते रहिए। इस तरीके से 2-2 घंटे की मैंने यहाँ पर पूरी लिस्टिंग कर दी हुई है, आपको कोई समस्या नहीं जाने वाली है। यदि कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे किसी भी चैनल या सोशल मीडिया हैंडल से जुड़कर, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, कहीं से जाके आप कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे और सोल्यूशन, हर संभव सोल्यूशन देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सबको ये चीज़ पता चल सके। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।